Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So welcome back to your class and this is your Vijay here. और आप Epaathshaala के चैनल पे वीडियो देख रहे हैं. इससे पहले वीडियो के हमने बहुत सारे पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं, लेकिन हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो का सेकंड पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. क्लास 9 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा रशियन रेवोल्यूशन. एंड देन हम देखेंगे कि रशियन एम्पायर कैसा था 1914 तक, और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ की उस समय पे इकोनॉमिक या वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, और उसके बाद सोशलिज्म इन रशिया के अंदर कैसे आया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो टॉपिक हमारा ब्रीफली रहेगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का. आइए स्टार्ट करते हैं रशिया के बारे में. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रशिया जो था उस टाइम पीरियड पे 1917 के टाइम पे वहाँ पर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था. अक्टूबर रेवोल्यूशन जो हुआ है वो रेवोल्यूशन के बारे में हमें जानना है आगे वाले पार्ट में, लेकिन 1917 के बाद पूरी तरीके से रशिया के अंदर राजा का शासन ख़त्म हो चुका था, यानी कि एब्सोल्यूटिज्म से हमें रेवोल्यूशन की तरफ जाना है. और हम समझेंगे कि कैसे फरवरी क्रांति हुई थी, अक्टूबर क्रांति हुई थी, और ऐसे ही सवालों का जवाब हमें रशिया रेवोल्यूशन के अंदर जानने को मिलेगा. तो 2.1 में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि रशिया का लास्ट किंग यानी कि लास्ट मोनार्क किंग कौन था. वो था जार निकोलस सेकंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 1914 तक ये रशिया के अंदर शासन करने वाला लास्ट व्यक्ति था. तो 2.1 में रूसी जो साम्राज्य था यानी कि रशियन एम्पायर जो था 1914 के अंदर, जो आज आप रशिया का पार्ट देख रहे हैं असल में रशिया का पार्ट वो नहीं था. रशिया का पार्ट बहुत बड़ा था जार निकोलस सेकेंड के टाइम पे, और रशिया के अंदर उस समय पे फिनलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, फिनलैंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा फिनलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, लिथाविया, लुथीनिया, ब्रसेल्स, यूक्रेन है ना, एक बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ऐसी बहुत सी कंट्रियाँ थी जो उस समय पे आपके रशिया के साथ इन्वॉल्व हो रखी थी. बाद में जब रशिया आज़ाद हुआ था 1991 के टाइम पीरियड पे, तो उससे पहले ये सारी कंट्रियाँ इनसे अलग होकर आज़ाद हो चुकी थी. बट जब रशियन एम्पायर था तो उस समय पे जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट भी उनके साथ इंक्लूड हो रखा था. तो ये वाला पार्ट है जहाँ पे उस समय पे हमें देखने को मिलता है कि रशिया का हमारा इतना बड़ा इलाका जो एक राजा के अंडर में था. और सिंपल सी बात है, अगर इतना बड़ा इलाका है तो इस साम्राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे वो अलग अलग होंगे, वो कैथोलिक भी होंगे, प्रोटेस्टेंट्स भी होंगे, बुद्ध भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर किसकी डोमिनेंट चलती थी, देखी जाती थी कि यहाँ पे जो रूसी रूढ़िवादी ईसाई लोग थे ना क्रिश्चियनिटी को लेके, उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पे देखने को मिलती थी. तो आइए बात करते हैं कि इतने बड़े वॉस्ट इलाके के बारे में कि अगर इतना बड़ा इलाका है तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी होती होगी और अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ का समाज कैसा था. तो 19 सेंचुरी के बाद अगर 20 सेंचुरी की बात करें तो रशिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उस समय पे खेती बाड़ी किया करता था, यानी कि लगभग 80% लोग ना उस समय पे खेती के ऊपर काम किया करते थे. तो खेती के ऊपर ही अपना काम करना, निर्वाह करना, ये सारा काम था. तो फ्रांस के अंदर इवन 40% था उस टाइम पीरियड पे फ्रांस के अंदर, और उसके बाद जो जर्मनी था उसके अंदर 50% था, लेकिन रशिया के अंदर ही 85% लोग जो हैं खेती का काम किया करते थे. तो ये लोग जो खेती का काम किया करते थे, ये लोग खेती का काम तो किया करते थे लेकिन साथ साथ ये लोग अपने लिए भी क्या कहते हैं सामान उगाया करते थे, यानी कि किसानों ने बाज़ारों के साथ साथ अपनी ज़रूरतों के लिए भी उत्पादन जो है वो पैदा किया था. तो ये एक अलग एस्पेक्ट देखने को हमें मिलता है. उसके बाद उद्योग तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे शुरुआती समय में थे, लेकिन बाद में जब आए तो मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बता दिया कि क्या सिचुएशन हुई थी. तो
उद्योग तो नहीं थे लेकिन उस समय पे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर, ये ऐसे क्षेत्र थे उस समय पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कारखाने जो है, वर्कशॉप जो है बड़ी मात्रा के अंदर उस समय पे यहाँ पे पाए जाते थे। यानी कि बहुत सारे कारखाने जो है 1890s के टाइम पे यहाँ पे खुलने चालू हुए थे। यहाँ पर उस समय पे जब रेलवे नेटवर्क्स बिछे थे और फिर बाद में क्या कहते हैं जब रेलवे नेटवर्क्स बिछने चालू हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो ही रहा है ये सारा का सारा, है ना। तो यहाँ पर जब जब 1890 के टाइम पे यहाँ पे रेलवे नेटवर्क्स बिछने चालू हुए थे तो सिंपल सी बात है उसी समय पे जो विदेशी निवेश था, जो बाहर का पैसा होगा, पूंजी लगना इन इलाकों के अंदर वो चालू होगा। और लोग क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे कौन सा काम करेंगे, एक कोल था और उसके बाद लोहा है, तो ये आयरन स्टील एंड कोल इन इन चीज़ों के अंदर, कोयले के अंदर डबल क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज खुलनी चालू हुई और आयरन और स्टील के अंदर तो ये चौगुना हो गई। तो उस समय पे आप देख सकते हैं, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है साथ में, कि जिस समय सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर बेरोजगारी थी, पांच फिगर नंबर पांच आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे जिस समय पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वो लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट होके आते थे और उनको बेचारों को क्या कहते हैं चैरिटेबल किचन जो होते थे ना वहाँ पे बेचारों को रहना पड़ जाता था और वहीं पर उन्हें खाने को मिलता था। तो कोयला उत्पादन दुगना हुआ, स्टील उत्पादन चौगुना हो गया और लगभग 19th सेंचुरी तक आते आते कारखानों की तो आप कह सकते हैं कि बाढ़ लग गई। अब जब कारखानों की बाढ़ लग गई तो उसके अंदर काम करने वाले लोग जो थे उनको भी मजदूरी मिलना और उनके काम के नियमों को तय करना, सरकार कोशिश करेगी कि इनकी तरफ भी फोकस किया जाए क्योंकि अगर इनकी समस्या समाधान नहीं होगी तो सिंपल सी बात है इसी वजह से तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। सो दैट इज़ वाई उस समय पे मजदूर वर्ग जो था बेचारे 12 से लेके 15 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे काम किया करते थे और बेचारों को रहने के लिए उस समय पे आप देख सकते हैं कि वर्कर स्लीपिंग के लिए उस समय बैरिक्स हुआ करते थे, बंकर हुआ करते थे। और ये वो वाला टाइम पीरियड है जिस समय पे देश के अंदर, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। किसान जो है बेचारा अपनी घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, घर को चलाने के लिए, घर के रोजी रोजगार के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए उन्हें जैसे तैसे क्या कहते हैं उस समय पे काम करना पड़ रहा था। अब जब काम करना पड़ा तो सिंपल सी बात है भाई, लेडी पीछे कैसे हट सकती है। इसीलिए उस समय पे वुमेन जो थी उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना रोजगार के अंदर हाथ आजमाया और 31% लोग जो 1914 तक महिलाएं जो थी उस समय में पुरुषों के साथ काम किया करती थी, लेकिन पुरुषों का लॉस ये था कि उन लोगों को उस समय पे मजदूरी जो थी पुरुष के मुकाबले में बहुत कम मिला करती थी। तो ये बहुत बुरी बात थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और कुछ श्रमिकों ने बेरोजगारी, और अगर मान लीजिए कि जैसे कि मजदूरों को कोई दिक्कत हो जाती थी तो वो लोग यूनियन बना लिया करते थे, और यूनियन बनाने के बाद अगर किसी छोटे मजदूर को कोई दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी बात है उनके एसोसिएशन के लोग जो हैं वो मदद करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट होने पे, फाइनेंशियली हार्डशिप होने पे, मान लीजिए कोई मज़दूर किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है लेकिन किसी कारणवश अगर उसका जो फैक्ट्री का ऑनर है वो उसको निकाल देता है तो सिंपल सी बात है बेचारे फिर वो जाएंगे कहाँ। तो ऐसे समय पे एसोसिएशन जो थी वो उनकी मदद किया करती थी, लेकिन अर्ली 90s के टाइम पे ये एसोसिएशन बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि अगर एसोसिएशन जो थी अगर उनकी मजदूरी जो है वो टाइम से नहीं मिलती थी तो सिंपल सी बात है 1896 में और 1897 के टाइम पे देखा गया था कि वर्कर जो थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के वो हड़ताल पे जाया करते थे। इवन 1902 के अंदर भी देखा जाने लग गया कि जो मज़दूर हुआ करते थे वो धातु जो मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते थे वो भी हड़ताल पे जाने लग गए थे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये आंधी से आने वाला पहला खामोशी थी जिसने ये बताया कि रशियन रेवोल्यूशन का एक कारण ये भी बन सकता है कि जो लोग बेचारे खेती करने वाले लोग थे या जो लोग क्या कहते हैं फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोग थे यही लोग राजा के खिलाफ जाएंगे आने वाले समय में, है ना। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ही दिक्कत हो रही है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे अगर देखा जाए देहात के अंदर जो खेती का सबसे ज़्यादा हिस्सा हुआ करता था वो या तो राजा के पास हुआ करता था या नोबल्स के पास हुआ करता था या क्लर्जीज के पास हुआ करता था और वही बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हुआ करते थे और उन्हीं को ही क्या कहते हैं
इन्हीं के अंडरटेकिंग में ये वर्कर्स काम किया करते थे। तो सिंपल सी बात है, जो किसान वर्ग के लोग थे ना, वो क्लर्जी, पादरी और राजा को पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन सिंपल सी बात है, राजा जो था ना, वो इसीलिए क्लर्जी और नोबल्स को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि नोबल जो थे ना, वो अपनी सेवा जो है, मतलब सर्विसेज जो थी, वो वहाँ पे राजा को फ्री में दिया करते थे या उनको सस्ते दामों में वहाँ पे सर्विसेज दिया करते थे। इसी वजह से नोबल जो है अपनी पावर को मेंटेन रखता था और अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा था, और वहाँ पे जार निकोलस जो है वो कभी भी उन लोगों को कुछ नहीं कहता था। लेकिन किसान वर्ग बेचारा जो मोस्टली 85% है और वही खेतों पर काम कर रहा है, उसकी सुनने वाला कौन है? राजा ही तो होगा। लेकिन राजा जो है वो अपने प्रिविलेज जो है वो क्लर्जी और नोबल्स को दे रहा है। लेकिन आपको याद होगा, लिबरल्स लोग कौन थे? लिबरल्स वही लोग थे जो कहने की यही कोशिश करते थे कि भाई, राजा ने जो क्लर्जी और नोबेलिटीज के लोगों को विशेष अधिकार दिए हुए हैं, वो अधिकार नहीं देने चाहिए। ठीक है ना? तो इस वजह से क्या कहते हैं, उस समय पे वहाँ पे क्रांति हुई, एंड देन कॉमन पीपल ने नोबल्स की ज़मीनों पे जो काम करते थे उन लोगों को टैक्स देने से मना कर दिया, और इवन यहाँ पे ये कहा गया कि हम आपको किराया नहीं देंगे, और बड़े बड़े ज़मींदारों की हत्या कर दी गई। ज़मींदार कौन? जो नोबल्स अपने नीचे लैंड लॉर्ड्स को रखते थे और ये देखते थे कि भाई, नॉर्मल जनता उनकी ज़मीनों पे सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि लैंड लॉर्ड्स का काम था कि कर का भुगतान करके नोबल्स को देना, और नोबल्स का काम था कि फिर वो बाद में किंग को दे देता कुछ परसेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1902 से लेकर 1905 के बीच में किसानों ने ज़मींदारों की हत्या करनी चालू कर दी, और उसके बाद जब ज़मींदारों की हत्या करनी चालू कर दी तो ऐसी घटनाएँ बहुत देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पे रूसी किसान ने यूरोप की बाकी जो हिस्से थे समय समय पे क्या कहते हैं, उनको छीनना चालू कर दिया, और फिर वो मीर को दे दिया करते थे। मीर एक तरीके का ऐसा बंदा हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे। रूस के इतिहास में किसान परिवार का स्वशासन समुदाय है, और जिसने अपने अधिकारियों को चुना था, स्थानीय जंगल, मत्स्य पालन, शिकार के मैदान, खाली मैदान, ये सभी क्या कहते हैं, इनके अंडर में रहा करते थे। किन के अंडर में? मीर के अंडर में। मीर कौन थे? मीर वही लोग थे जब कॉमन पीपल लैंड लॉर्ड्स की हत्या कर देते थे तो उसके बाद जो ज़मीन का हिस्सा होता था वो मीर को कह दिया जाता था कि आप रख लीजिए, और फिर आप उस ज़मीन के हिस्से को नॉर्मल जनता के बीच में इक्वली बांट देंगे। तो ये वही चीज़ है जो कार्ल मार्क्स ने कही थी, अगर आपको याद हो। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि ज़मीन के हिस्से को नॉर्मल पर्सन के हाथों में इक्वली बांट देना चाहिए, सरकार को यही करना चाहिए, नोबल से ज़मीनें छीन लेनी चाहिए। तो कॉमन लोगों ने क्या करा? कॉमन लोगों ने भी यही करा कि नोबल्स का मर्डर करना चालू करा, और उसके बाद ज़मीनें छीननी चालू करी, और नॉर्मल पर्सन मीर को उन ज़मीनों का हिस्सा दे देते थे। फिर बाद में मीर अपनी समझ के हिसाब से क्या कहते हैं, रशिया के अंदर जो नॉर्मल किसान हुआ करते थे उनको उस समय पर क्या कहते हैं, ज़मीनों का हिस्सा दे देते। सो दिस इज़ हाउ द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट। अब है 2.3, सोशलिज्म इन रशिया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 1914 से पहले तक जितने भी राजनीतिक दल रशिया के अंदर बनते थे सारे के सारे इनलीगल थे। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरी कंट्री के अंदर, तो दूसरी कंट्री के अंदर तो बहुत सारी पार्टीज बननी चालू हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने जो सोशलिस्ट लोग थे ना, उन लोगों ने भी 1898 के अंदर समाजवादी सोच के तहत इन्होंने डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी। डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट करने का मेन मकसद यही था कि सरकार जो है ना, गलत तरीके से जो पॉलिसी चला रही है, गैर कानूनी तरीके से जो नोबल्स को क्या कहते हैं फ़ायदे पहुंचा रही है, तो ये सब गलत था। तो यही पार्टी जो क्या कहते हैं रशिया के अंदर पहली पार्टी बनी थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ये पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले ये अखबार जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट करी, मज़दूरों को संगठन करने की कोशिश करी और हड़ताल करने की कोशिश करी। कुछ रूढ़िवादी समाजवादी जो लोग थे उनका मानना यही था कि भाई, ज़मीनों के मोस्टली हिस्से पे काम करने वाले मजदूर ही हैं, और अगर हमें राजा के खिलाफ जाना है तो हमें किसानों को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई किसानों को एक साथ लाया गया,
और उसके बाद 1990s के टाइम पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई और इस पार्टी ने किसानों को अपने संघर्ष के साथ लिया और बाद में यही मांग करी कि भाई हम लोग जो किसान लोग जो क्लर्जी और नोबल्स के ज़मीनों पे ज़बरदस्ती काम किया करते थे अब वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से किसानों को साथ में लाया गया और फिर रशियन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन 1903 तक जो जो सोशल रेवोल्यूशन पार्टी थी उसके दो खंडन हो गए, जिसे बोल सेविक और मेन सेविक कहा गया। तो बोल सेविक पार्टी की एक सोच थी, उन्होंने यही कहा था कि बोल सेविक पार्टी ने कि भाई उसके हेड जो थे व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन बोल सेविक पार्टी के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने यही कहा था कि अगर दमनकारी समाज को हमें ख़त्म करना है तो पार्टी को अनुशासित होना पड़ेगा और अपने सदस्य की संख्या और गुणवत्ता के हिसाब से उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और उसके बाद मेंसेविक लोगों का ये कहना था कि हमें जो पार्टी का कंट्रोल है ना सभी लोगों के हाथ में देना चाहिए ताकि हम जो रशियन के अंदर सरकार चल रही है उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन अब ये विचारधाराओं का खेल है, इसलिए मेंसेविक और बोल सेविक अलग हो गए। तो मेंसेविक अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मेंसेविक जिसका लीड करने वाला व्यक्ति था वो था मार्टोव जो है वो थे, और इन्होंने ये तर्क दिया ये नरमपंथी गुट से थे, यानी कि ये वही है जो SPR के अंदर SRP यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर पार्टी, इसके जो दो हिस्से बने थे बोल सेविक और मेन सेविक, इसी के ही क्या कहते हैं विचारधारक यानी कि मॉडरेट फंक्शन करने वाले व्यक्ति यही थे। इन्होंने कहा कि अगर हमें राजा से बदला लेना है ना तो किसानों को साथ में तो लेके आओ, लेकिन बदलाव बहुत स्लोली स्लोली करो। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव विचारधारा से बिलोंग करते थे। लेकिन बोल सेविक विचारधारा यानी कि ये रेडिकल सोच के थे, रेडिकल सोच यानी कि कट्टरपंथी ग्रुप। इन्होंने कहा कि अगर हमें किसानों को उनकी समस्या से बचाना है तो सिंपल सी बात है हमें सत्ता से राजा को हटाना पड़ेगा, और ये तत्काल क्रांति से ही हो सकता है, यानी कि इंस्टेंट अगर हमने रेवोल्यूशन करा, इमीडिएट रेवोल्यूशन करा, तो ही हम समाज के अंदर समाजवादी विचारधारा की स्थापना कर पाएंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंट बिटवीन मैन सेविक एंड बोल सेविक, और इन्होंने ही क्रांति को आगे बढ़ाया और कैसे किसानों के हित के बारे में लड़े वो हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो यहीं से कंटिन्यू होगी। अगर आपको मैन सेविक और बोल सेविक के बीच में कोई भी डिफरेंस पता है तो वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैन सेविक और बोल सेविक की विचारधाराएँ कैसे अलग हुई। सो गाइज दिस इज़ इट इन दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।